हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे सो स्टूडेंट्स आपकी नेहा मैम फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स वेलकम्स यू ऑल स्टूडेंट्स हमने अपना क्लास वन का मैथ स्टार्ट कर दिया है एंड वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर वन हमने बहुत अच्छे से अपना चैप्टर वन कंप्लीट करा है एंड वी हैव स्टार्टेड चैप्टर टू ऑल्सो दैट इज नंबर्स फ्रॉम वन टू नाइन ओके okay, स्टूडेंट्स हमने uh, इसमें नंबर्स कंप्लीट करे उनकी काउंटिंग करी उनका रिकग्निशन करा उनको इजीएस्ट वे में लिखना सीखा राइट right, स्टूडेंट्स अब हम आपके बुक की जो आगे की एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज है हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं ओके okay, स्टूडेंट्स हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस करी उसमें फन कलरफिल uh, करने वाली एक्टिविटीज भी करी हमने मैचिंग uh, करने वाली एक्टिविटी भी करी है ना स्टूडेंट्स तो आज भी हम आपकी एक्टिविटी ही करेंगे लेकिन वो बहुत मजेदार है सो स्टूडेंट्स द एक्टिविटी फॉर टुडे इज़ यस सो दिस इज द एक्टिविटी फ्रॉम योर बुक तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स लुक एट द क्वेश्चन मेक द कलेक्शन इक्वल सो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं स्टूडेंट और इस बॉक्स में भी कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं आपको क्या करना है आपको दोनों बॉक्सेस के ऑब्जेक्ट्स को इक्वल करना है बराबर करना है राइट right स्टूडेंट तो उसके लिए हम क्या करेंगे पहले हम काउंटिंग करेंगे कि कितने नंबर्स हैं। उसके बाद जिस बॉक्स में लेस, कम होगा, हम उसमें ड्रॉ कर देंगे वो ऑब्जेक्ट बट हमको सेम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है फॉर एग्जाम्पल लाइक यहां पे कौन सा शेप है स्टूडेंट वी हैव ऑलरेडी लर्न द शेप्स यस दिस इज राउंड एंड राउंड सर्कल ओके तो हमें भी यहां पे सर्कल ही बनाना है अगर ये कम है तो लेस है तो राइट right स्टूडेंट तो चलिए सबसे पहले ये करते हैं लेट लेटिस काउंट ऑलरेडी यहां पे फोर लिखा हुआ है फिर भी हम काउंट करते हैं सो वन टू थ्री फोर सो द नंबर ऑफ द सर्कल्स आर फोर फोर सर्कल्स आर हियर इन दिस बॉक्स ओके स्टूडेंट नाउ लुक हियर स्टूडेंट व्हाट इज दिस इसे हम क्या बोलते हैं यस दिस इज द साइन ऑफ is इक्वल टू हम इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट इज इक्वल टू मतलब बराबर बराबर तो इज इक्वल टू का मतलब क्या है जो लेफ्ट साइड में है वो इक्वल है राइट right साइड के अंडरस्ट सो so, यहां पे फोर सर्कल्स हैं अब हम यहां पे काउंट करते हैं हाउ मेनी सर्कल्स आर सो वन टू थ्री थ्री सर्कल्स मीन्स वन सर्कल इज लेस एक सर्कल कम है क्योंकि वहां फोर है और यहां पे हमें फोर कंप्लीट करना है राइट right स्टूडेंट क्योंकि हमें इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे वी विल ड्रॉ वन मोर सर्कल हियर राइट नाउ द नंबर इज फोर दे आर ऑल्सो फोर हियर ऑल्सो फोर है ना तो ये हमारा बराबर हो गया क्योंकि स्टूडेंट हमें इक्वल करना है दोनों तरफ क्योंकि बीच में हमें इज इक्वल टू का साइन दिया है जिसका मतलब बोथ बोध साइड्स आर इक्वल अंडरस्टूड स्टूडेंट तो आप भी अपनी बुक में ऐसे ही करिए आपको यहां पे टोटल नंबर ऑफ सर्कल बनाना है जितना लेफ्ट साइड है अंडरस्टूड सो डू दिस इन योर बुक चलिए नेक्स्ट देखते हैं सो यस व्हाट इज दिस टेल मी दिस इज विच शेप हमने पढ़ा है स्टूडेंट फोर साइड्स आर इक्वल तो ये क्या होता है स्क्वायर वेरी गुड इन स्क्वायर ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल चारों साइड्स इक्वल होते हैं राइट तो लेट काउंट हाउ मेनी स्क्वायर्स आर हियर राइट सो वन एंड टू सो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर हियर स्टूडेंट हियर आर टू ओके अब हम यहां पे काउंट करते हैं यहां कितने हैं सो वन टू थ्री फोर फाइव हाउ मेनी स्क्वायर्स आर हियर फाइव स्क्वायर स्टूडेंट राइट कहा है लेस स्क्वायर कहा है यस इन दैट बॉक्स है ना अब हमें क्या करना है हमें करना है क्योंकि बीच में इज इक्वल टू का साइन दिया है तो यहां पे भी करेंगे, तो टू आर ऑलरेडी हियर टू आर ऑलरेडी हियर अब हम सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे लाइक like दिस तो कितने हो गए वन टू थ्री हमें फाइव चाहिए We will draw one more. आप कितने हो गए फोर वन टू थ्री फोर हमें कितने चाहिए स्टूडेंट वी नीड फाइव तो हम एक और ड्रॉ करेंगे नाउ हाउ मेनी लेट इउंट वन टू थ्री फोर फाइव तो फाइव फाइव इक्वल तो देखा आपने हमने क्या किया हमने सबसे पहले काउंट करे ऑब्जेक्ट को उसके बाद जहां पर लेस है कम है वहां पे हमने उतने ड्रॉ कर दिए क्योंकि हमें क्या करना है इक्वल बराबर अंडरस्टूड स्टूडेंट तो ऐसे ही आपको अपनी बुक्स में भी करना है राइट right? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं सो यस सो व्हाट इज दिस शेप जल्दी से बताइए हमने सर्कल देखा हमने स्क्वायर देखा नाउ दिस इज विच शेप दिस इज थ्री साइड्स मींस दिस इज ट्राइंगल ट्राइंगल यू नो बर्डी कैप बर्डी कैप का शेप क्या होता है स्टूडेंट ट्राइंगल होता है सो दिस इज ट्राइंगल थ्री साइड्स ओके अब चलिए अब हम काउंट करते हैं पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड काउंट करेंगे ओके सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर हियर इन दिस बॉक्स सिक्स ट्राइंगल्स ओके अब हम इधर के ट्राइंगल काउंट करते हैं One, two, three, four. फोर triangles मींस सिक्स इज मोर देन फोर है ना फोर लेस कम है अब हमको क्या करना है दोनों को इक्वल करना है बराबर करना है तो हमें यहां पे और draw करना पड़ेगा isn't इट तो चलिए फोर ऑलरेडी है हम पहले एक draw करके देखते हैं अब कितना हो गया काउंट करिए हर जब भी आप कुछ ड्रॉ करेंगे उसके बाद काउंटिंग करिए राइट right? तो आपको पता चल जाएगा कि अब आपको और कितना ड्रॉ करना है राइट स्टूडेंट सो वन टू थ्री फोर फाइव और वहां पे क्या है सिक्स तो लेट अस ड्रॉ वन मोर अब कितना हो गया फिर से काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इक्वल इक्वल तो वी विल ऑल्सो राइट हि सिक्स अंडरस्टंड सिक्स सिक्स इक्वल ठीक है स्टूडेंट तो आप भी अपनी कॉपी में ऐसे कर लीजिए चलिए अब नेक्स्ट पेज देखते हैं मी दिस इज विच शेप दिस इज डायमंड शेप हम इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट डायमंड शेप राइट तो चलिए यहां पे काउंटिंग करते हैं पहले हम इधर लेफ्ट वाले बॉक्स को काउंट करेंगे फिर राइट right बॉक्स पे आएंगे तो चलिए सो वन टू थ्री फोर यहां पे अभी हमारे पास फोर शेप्स है अब हम राइट right बॉक्स में भी काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो सेवन हम लिख देते हैं राइट right, स्टूडेंट अब बताइए हियर इट इज सेवन एंड देयर इट इज फोर कम कहां है वहां पे कम ऑलरेडी दिख रहा है आपको देख के ही पता चल जाएगा कि विच इज लेसन नंबर कौन सा कम है तो उस बॉक्स में कम है अब हमें क्या करना है वहां पे और ड्रॉ करके इसके बराबर करना है चलिए तो ड्रॉ करते हैं फोर ऑलरेडी यहां पे ड्रॉन है तो चलिए नाउ लेट इज ड्रॉ वन मोर नाउ इट इज फाइव वन मोर नाउ इट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हमको सेवन ड्रॉ करना है तो नाउ इट इज सेवन सो लेट इज काउंट सेवन है क्या फोर फाइव सिक्स सेवन तो सेवन एंड सेवन इक्वल अंडरस्टर्ड तो ऐसे ही आपको करना है बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है है ना स्टूडेंट तो चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं और क्या है यस yes. तो ये भी शेप है राइट right, स्टूडेंट तो अब दोनों शेप्स को काउंट करते हैं और फिर देखते हैं कहां पे कम है यहां पे काउंट करते हैं स्टूडेंट वन टू थ्री फोर फाइव तो हियर इट इज फाइव यहां काउंट करके देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ज्यादा है वी विल राइट हियर एट अब बताइए वहां पे लेस है यहां पे मोर है हमें क्या करना होता है जल्दी बताइए जहां पे कम है वहां पे हमें और पिक्चर्स ड्रॉ करके इसके इक्वल करना है ओके फाइव है और ड्रॉ करके देखते हैं लेट इज ड्रॉ लेकिन हमको सेम यही शेप ड्रॉ करना है स्टूडेंट तो चलिए वन सिंगल लाइन स्ट्रेट हियर लाइक दिस लाइक दिस यस सो नाउ इट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ना अभी तो हमें और ड्रॉ करना है सो नाउ यस नाउ इट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके अभी भी कम है एट और सिक्स और ड्रॉ करते हैं यस। नाउ इट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन एंड एट अभी भी कम है तो एक और ड्रॉ करना पड़ेगा सो वी विल ड्रॉ यस नाउ लेट अस काउंट अब काउंट करके देखते हैं सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एक हमने एक्स्ट्रा डॉकेट लियर स्टूडेंट सो लेटेस्ट रब वन सो नाउ हाउ मैनी वन यस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो हियर ऑल्सो एट तो नाउ लुक किया एट एंड एट इक्वल अंडरस्टंडर एट हीवल राइट तो आपको भी अपनी बुक्स में ऐसे ही करना है ना लुखियर और भी है क्या नो ना दिस इज डन राइट स्टूडेंट बहुत सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन मजेदार एक्सरसाइज है और आपको बहुत ध्यान से करना है आपको क्या करना है स्टूडेंट बस आपको दोनों बॉक्सेस के ऑब्जेक्ट या शेप को काउंट करना है जिस बॉक्स में कम है आपको दूसरे उसमें और ड्रॉ करके दूसरे बॉक्स के इक्वल करना है अंडरस्टर्ड बहुत मजेदार है ड्रॉ भी करिए और कलर भी करिए राइट स्टूडेंट चलिए अब नेक्स्ट पेज में क्या है yes, join in order. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट हियर देखिए यहां पे आपको एक पिक्चर एक ड्राइंग दिख रहा है ना जो इनकम्प्लीट है कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा या वन बॉय इज हियर एक लड़का बैठा हुआ है और कुछ पानी दिख रहा है यहां पे भी कुछ इनकम्प्लीट पिक्चर दिख रही है यहाँ पे ट्री है आपको क्या करना है यहां पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं स्टूडेंट है ना तो आपको ऑर्डर में वन टू थ्री फोर हमने वन टू नाइन पढ़ा है तो वन से नाइन तक के ऑर्डर में आपको ज्वाइन करना है और फिर देखना है कि क्या पिक्चर बनती है तो चलिए करके देखते हैं सबसे पहले वन यहां लिखा हुआ है टू तक ऑलरेडी लाइन ज्वाइन है हम थ्री पे आते हैं हम फोर पे जाएंगे फिर हम सॉरी लुखियो सो हम पहले वन टू हम थ्री पे आएंगे बिकॉज दिस इज थ्री उसके बाद हम फोर पे आएंगे हम फाइव पे आएंगे देन सिक्स देन सेवन देन एट एंड दिस इज नाइन तो स्टूडेंट क्या बन गया ये दिस इज अ बोट नाव बन गई है ना दिस इज अ बोट बी ओ दिस इज बी ओ ए टी बोट नाव दिस इज बोट नाव स्टूडेंट नीचे भी कुछ पिक्चर दिख रही है चलिए इसको भी ज्वाइन करते हैं सो वेर इज नंबर वन दिस इज नंबर वन वन से हम टू पे जाएंगे टू से थ्री पे जाएंगे थ्री से हम फोर पे जाएंगे 4 से हम 5 पे जाएंगे, देन 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 सो स्टूडेंट नाउ टेल मी नाउ द पिक्चर इज कंप्लीट? यस बिकॉज दिस इज अ बॉय, दिस इज अ फिश एंड दिस इज अ बोट वो क्या कर रहा है वो पानी में छोटा सा पानी है जहां पे फिश भी है और वो नाव चला रहा है अपनी ओके स्टूडेंट सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक आपको क्या करना है आपको नंबर्स को ऑर्डर में ज्वाइन करना है अब ये पिक्चर बन गई अब आप इसको कलर भी करिए यू कैन चूज एनी ऑफ योर फेवरेट कलर एंड कलर दिस पिक्चर राइट स्टूडेंट तो इस एक्सरसाइज को अपनी बुक में कंप्लीट कर दीजिए राइट तो चलिए स्टूडेंट हियर वी हैव कंप्लीट आर दिस एक्टिविटी और एक्सरसाइज सो स्टूडेंट देखा आपने बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी लेकिन आपको ध्यान से करना है आपको इक्वल करना है बोध द साइड्स लेफ्ट साइड और राइट right साइड आपको इक्वल करना है दैट्स इट ओके स्टूडेंट तो इस एक्सरसाइज को अपनी बुक में अच्छे से करिए और स्टूडेंट ये एक्सरसाइज और बाकी और भी आपकी एक्सरसाइजेस जो हम अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं ये आपको मैग्नेट बेन्स की वेबसाइट पर मिल जाएगी जैसे ही आप क्लास चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे राइट right, स्टूडेंट तो ये सब आपको मिलता है मैग्नेट बेन्स पर यहां पर आपको किंडर से क्लास ट्वेल्व तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है सो so, वीडियोस देखते रहिए लाइक like करते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए और प्रैक्टिस करिए ओके स्टूडेंट्स सो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सो टिल देन बाय बाय टेक केयर